आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा और कुछ आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस की एक मैंने वीडियो डाला था, उस पर कई सारे मोबाइल रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक हैं और टेक्नीशियन, उनको काफ़ी हेल्प ली है। तो आज के जो मैं वीडियो, सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन में काफ़ी सारे टेक्नीशियंस कन्फ्यूज रहते हैं, तो कि आजकल जितने भी सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं तो सामने से खुलते हैं, कौन सा फ़ोन पीछे से खुलेगा बैक तरफ से, मतलब इसमें इतना सारा कन्फ्यूजन हो चुका है कि कई सारे कस्टमर्स क्या है कि जो फ़ोन बैक साइड से खुलते हैं उनको भी खोलने की कोशिश सामने से करने लगते हैं, जिस चक्कर में तो LCD क्रैक कर देते हैं, और या तो भी कस्टमर को एक्स्ट्रा चार्जेस बताते हैं, फिर बोल देते हैं कि भैया सामने से खोलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, गर्म करना पड़ेगा पूरा डिस्प्ले, या तो मेरे पास हो नहीं पाएगा और या तो हम इसका पैसा ज़्यादा लेंगे, ऐसे ऐसे करके बातें हो रही। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नए टेक्नीशियंस को होती। तो आज मैं आप लोगों को दो तीन ऐसे डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन फ्रंट साइड से ओपन होगा, कौन सा फ़ोन बैक साइड से। उसके बाद मैं इस फोन को भी ओपन करके दिखाऊंगा, इसमें एक चार्जिंग का इशू है, उसे भी मैं फिक्स करूंगा और क्लियर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्स्ट नंबर पे, तो एक तो ये कवर लगा हुआ होता है, ये LCD जैक के ऊपर मोस्टली 99% सैमसंग के फोन पे होता है। ये एक्चुअल में इस वजह से होता है कि अगर आप इस फोन का LCD चेंज करना है या टच चेंज करना है तो आपको फोन खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्क्रूज ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस जैक को ऐसे ओपन कर सकते हो, और इस जैक को ओपन करने के बाद आप फ्रंट से डिस्प्ले और टच इसका ओपन कर सकते हो और निकाल सकते हो। लेकिन अगर फोन पे हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, जैसे कि चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना होगा, इस फोन को बैक साइड से खोलना होगा। लेकिन अगर इस फोन का बैक कवर ओपन नहीं होता, जैसे कि इसका बैक कवर ओपन हो गया, मैंने खोल दिया है और इसके स्क्रू भी खोल दिए, अगर इस फोन में स्क्रू नहीं लगे होते और इस फोन में बैक कवर नहीं लगा होता, मतलब कि जो इनबिल्ट बैटरी वाले फोन आते हैं, इंटरनल बैटरी वाले फोन आते हैं, उनका बैक कवर आप देखे होंगे, जिनका सिम स्लॉट साइड से लगता है, उन पे क्या होता है कि वो फिर अगर उस पे चाहे डिस्प्ले चेंज करना हो और या उसकी आपको चार्जिंग जैक चेंज करना हो या आपको सिम ट्रे या कुछ भी मे बी स्पीकर रिंगर या छोटा सा भी इशू होगा कुछ भी, तो आपको उसे फ्रंट से ही ओपन करना पड़ेगा LCD को हीट करने के बाद। लेकिन अभी जो मेरे हाथ में मॉडल है सैमसंग का G530 है, इसको अपन लोग चार्जिंग जैक ओपन करना, तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में ऐसे फिक्स रहता है, थोड़ा सा ऐसे चिपका हुआ रहता है कि लगता है कि कहीं खोलते टाइम डिस्प्ले ना टूट जाए या कुछ हो ना जाए। तो आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग एकदम साइड से, एकदम ये साइड होता है, यहाँ से ऐसे आप नेल से अपने, या आजकल मार्केट में काफी सारे ओपनर्स आते हैं उसकी सहायता से भी इसे आप ओपन कर सकते हो। ये ऐसे आसानी से, थोड़ा लाइटिंग का देखिएगा, और यहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे हाथ लगाइएगा कि एकदम थोड़ा सा मजबूती के साथ और धीरे धीरे। और हर सैमसंग के फोन जो पीछे तरफ खुलते हैं उसमें यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है, इस लॉक को आप ट्यूजर की सहायता से भी ओपन कर सकते हो। ये जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे हड्डी इसकी फंस जाती है और ये ओपन नहीं होता। आप देख सकते हो फोन कितना इजिली ओपन हो गया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को सारे कनेक्टर्स रिमूव करने हैं, जैसे कि कैमरे का है, सेंसर है, स्पीकर है, रिंगर है, ठीक है। और फिर आप एक बार ध्यान से चेक करें कि कोई भी ऐसा हिडन स्क्रू तो नहीं लगा। PCB को भी कई बार फिक्स करने के लिए स्क्रू लगे होते हैं, जिनको कि अपन लोग ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट बोर्ड को उठा देते हैं, उसकी वजह से जो नीचे का डाउन साइड वाला बोर्ड होता है वो भी बीच से कभी कभी क्रेक हो जाता है। और ज़्यादातर ऐसा कई सारे न्यू टेक्नीशियंस ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से फ़ोन ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से। कैमरे में एक चीज़ का सेफ्टी हमेशा ध्यान दिए, कैमरे के जो लेंस होते हैं उन पर कभी फिंगर्स ना टच हों या हाथ वगैरह नहीं लगाएं। आप लोग ये देखो कि ये PCB भी मैंने निकाली है इसकी। तो वैसे आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे कि चार्जिंग जैक को कैसे रिमूव किया जाता है और चार्जिंग जैक कैसे फिक्स किया जाता है, तो वैसे मैं आप लोगों को एक कुछ सावधानियां बता देता हूं आज की भी वीडियो में, आप कैसे चार्जिंग जैक को निकालें कि फोन में कुछ और भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि सैमसंग के जो फोन होते हैं इन पे चिप वाले IC वाले माइक्स लगे होते हैं, जैसे कि ये माइक लगा हुआ है और ये चार्जिंग जैक है। तो बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसा भी करते हैं कि इसमें अगर एक जो माइक का होल होता है रिसीविंग करने के लिए वॉइस, वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी गलती से भी SMD की हीट लग गई तो ये माइक डैमेज हो जाता है। फिर इसमें भी काफी कस्टमर भी परेशान होता है कि भाई मैंने चार्जिंग बनने के लिए दिया था तो आपने माइक कैसे खराब कर दिया। तो और कई सारे फोन्स में ऐसा होता है बहुत छोटे माइक लगे होते हैं जो कि बैक साइड में होते हैं, जो कि अपन लोग देख भी नहीं पाते। जैसे पीछे तरफ माइक लगा रहेगा, बोर्ड के इस पार से होल होके इधर फ्रंट साइड से आएगा तो वहां पे भी कई बार हीट लग जाती है तो वो भी माइक खराब हो जाता है।
तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जब भी आप लोग फोन रिपेयर कीजिए तो माइक के ऊपर या तो कोई मेटल का रख दिए या तो एक फायर प्रूफ टेप आता है उसे इसके ऊपर फिक्स करके चिपका सकते हैं, जिसके जरिए आप इसे कर सकते हैं। खैर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसे ओपन करके दिखाता हूँ, चारिंग जैक इसका निकाल के दिखाता हूँ SMD की मदद से। अभी क्या करते हैं कि जो माइक होता है इसके ऊपर मैं कवर करने के लिए PCB स्टैंड है इसे मैं रख दूंगा, और थोड़ा सा इसका लोड भी होगा PCB पे, जिसकी वजह से इसको जैक को जब मैं गर्म करके निकालूंगा तो भी आसानी होगी। सबसे पहले अपन लोग चार्जिंग जैक के राउंड में सोल्डरिंग पेस्ट का यूज़ करेंगे। सोल्डरिंग पेस्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई ये नहीं है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो या क्या है, जैसे कि नॉर्मल ही है। मैंने SMD को आप देख सकते हो कि कितने में गर्म करना पड़ता है टेम्परेचर, और एयर देख सकते हैं, एयर इसकी कर देते हैं 3 पे और इसका जो टेम्परेचर है 450 किया हुआ है मैंने। अब मैं निकालता हूँ चार्जिंग जैक, मतलब कि बहुत ही जल्दी कोई भी कंपोनेंट पे हीट नहीं मारनी, सिर्फ चार्जिंग जैक पे फोकस रखना है। सबसे पहले साइड में जो लगे हुए हैं फूटे और इनकी लेग हैं उन पे हीट मार के तो पीछे से ऐसे निकाल देंगे। अभी आप लोग देख सकते हो कि निकल गया है चार्जिंग जैक और एकदम सेफ्टी के साथ। अब आई थिंक इतना करने के बाद आप चार्जिंग जैक लगा लोगे। चार्जिंग जैक में कुछ जो प्रिंट्स होती हैं उनका खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको सभी पिनों को जोड़ना है जो चार्जिंग जैक की होती हैं, एक एक पिनों को, क्योंकि इससे कौन कौन सी होती हैं प्रॉब्लम्स। अगर चार्जिंग जैक की मोबाइल में प्रॉब्लम होगी तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके पास कस्टमर लेके आएगा और आपको फेस करनी पड़ेगी। मैनी टाइम्स ऑटो चार्जिंग प्रॉब्लम, मतलब कि फोन चार्जर पे अगर नहीं लगा हुआ है फिर भी फोन का चार्जिंग शो करना, और मैक्सिमम ये सैमसंग के 7 पिन वाले जैक में होता है, 7 पिन वाले जैक पे। और इसके अलावा बैटरी स्टोर न करना, मतलब कि कई बार फोन पे आप चार्जर लगाओगे लेकिन चार्जिंग शो करेगा लेकिन मोबाइल बैटरी स्टोर नहीं करेगा, उस कंडीशन पे भी चार्जिंग जैक का फॉल्ट होता है 99%। उसके बाद 1% ही फॉल्ट होता है चार्जिंग आईसी का। उसके बाद में आप लोगों को एक डिफरेंट चीज बताता हूँ, बिल्कुल से भी अगर मोबाइल आपका चार्जिंग शो ना करे, मतलब आप चार्जर लगाओ फोन ऑन है लेकिन चार्जिंग शो नहीं करता, कई टाइम पे फोन डेड हो जाता है, चार्जिंग जैक शॉर्ट हो जाते हैं तो भी फोन डेड हो जाते हैं, उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है और आती है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को भाई लोग शेयर करना प्लीज, जिससे कि कुछ भी नए टेक्नीशियंस को काफी हेल्प लें, क्योंकि आजकल के इंस्टीट्यूट वाले कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग सिखाता नहीं, बस पैसे ले लेते हैं और टाइम पास करवाते हैं बच्चे लोगों से। तो मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिए किसी टेक्नीशियंस को, अपने मित्र लोगों को, जिससे वो लोग भी कुछ काम सीख लें अच्छा, तो सबको हेल्प लेगी। वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।